नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि दियाब आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल GMS जीवन ब्लॉग्स पे। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे कारगिल वॉर मेमोरियल, जो द्रास सेक्टर में स्थित है। ये वॉर मेमोरियल कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की याद में नवंबर 2004 को बनाया गया था। तो देखिए दोस्तों, अभी हम कारगिल की ओर आगे बढ़ रहे हैं और जैसा कि आप अभी देख सकते हैं, यहाँ पे आर्मी की गाड़ियों का एक काफिला भी आगे बढ़ रहा है और ये वही वीर जवान हैं जो हमारी सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊंची ऊंची पहाड़ियां और उनके बीच में से निकलता हुआ गाड़ियों का एक काफिला, जो काफी शानदार नजारा है। ये पहाड़ियां अक्सर बर्फ से ढकी रहती हैं और ऐसी हालत में भी हमारे वीर जवान हमारी देश की सुरक्षा के लिए अपनी जिम्मेदारियों से कभी पीछे नहीं हटते। तो देखिए दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं कारगिल वॉर मेमोरियल के मेन गेट पे और यहाँ पे एक बहुत सुंदर सी कोटेशन लिखी हुई है, When you go home, tell them of us and say, for you tomorrow we gave up today। यानी कि जब आप घर जाएं तो लोगों को जरूर बताएं कि उनके कल के लिए हमने अपना आज कुर्बान किया है। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि कारगिल वॉर मेमोरियल नवंबर 2004 में द्रास सेक्टर में बनाया गया था। इसे द्रास सेक्टर में बनाने का मुख्य कारण यह था कि कारगिल वॉर का अधिकतम हिस्सा यहाँ पे लड़ा गया था। इसके अलावा यहाँ से सामने आप वो सारी चोटियाँ देख सकते हैं जहाँ पे पाकिस्तानी सेना ने धोखे से कब्जा किया हुआ था। अभी हम जहाँ पे खड़े हैं उसे विजय पथ कहा जाता है और उसके ठीक सामने जो आप देख रहे हैं वह अमर जवान ज्योति है, जो 2400 घंटे जलती रहती है। इस अमर जवान ज्योति के ठीक पीछे एक ब्रास प्लेट है जिसमें उन सभी शहीदों का नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है जो 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान शहीद हुए थे। हमारे देश ने उस दौरान 559 जवान खोए थे और 1536 जवान घायल हुए थे। जो सामने पे आप ये बड़ी सी गन देख रहे हैं, इसे बफोर स्तूप कहते हैं, जिसे कारगिल युद्ध के दौरान दुश्मनों से लड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया था। अब जो सामने पे आप ये देख रहे हैं, ये है मनोज पांडे गैलरी, जो तीन भागों में डिवाइडेड है। इसका जो पहला हिस्सा है, उस टाइम पे जो मीडिया एक्टिव थी यहाँ पे, उसने जो भी कवरेज ली उसकी क्लिप यहाँ पे दी गई है। इस गैलरी के दूसरे भाग में बटालियंस की हिस्ट्री, क्या उन्हें टास्क मिला और कैसे उन्होंने उस टास्क को प्लान किया और उस प्लान के अकॉर्डिंग वो कैसे कामयाब हुए, इन सभी चीजों के बारे में बताया गया है। मनोज पांडे गैलरी का तीसरा हिस्सा पाकिस्तान गैलरी से संबंधित है, क्योंकि पाकिस्तान से कैप्चर किए हुए सारे वेपन्स, इक्विपमेंट्स और आर्मेशंस यहाँ पे रखे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे वो सभी सबूत भी हैं जो ये दर्शाता है कि 1998-99 के दौरान जो घुसपैठी थे वो पाकिस्तानी सैनिक ही थे। जैसा कि यहाँ पे उनके आई कार्ड और पेबुक भी रखे गए हैं, उनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। घुसपैठ का मुख्य कारण यह था कि 1972 में इंडिया पाकिस्तान के बीच एक शिमला समझौता हुआ था, जिसके अकॉर्डिंग विंटर्स के टाइम पे दोनों सेनाएं एलओसी को छोड़ के कम बर्फीले वाले इलाके में चले जाती थी, क्योंकि विंटर सीजन में यहाँ पे दोनों सेनाओं को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता था। ठंड के लिहाज से अगर हम देखें तो ये एरिया विश्व के दूसरे और एशिया के पहले स्थान पे आता है। इसलिए इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग विंटर 1998 में जब भारतीय सेना एलओसी पोस्टों को छोड़ के सभी निचली पोस्टों पे आ गई, तो उसी दौरान पाकिस्तानी सेना ने धोखे से उन सभी पोस्टों पे कब्जा कर लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि कारगिल युद्ध की शुरुआत 20 मई 1999 को हुई और यह युद्ध 26 जुलाई 1999 तक चला। अंततः हमारी सेना ने सारी पोस्टों पर वापस से कब्जा कर लिया और दुश्मनों को एक बार फिर से हार का सामना करना पड़ा। इसलिए हर वर्ष यहाँ पे 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आप देख सकते हैं हम मनोज पांडे गैलरी से बाहर आ चुके हैं और अब आप सामने पे देख सकते हैं अमर जवान ज्योति। ये अमर जवान ज्योति 2400 घंटे जली रहती है और इसको 2400 घंटे जलाने के लिए हमारी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन पर डे
एक सिलेंडर प्रोवाइड करवाती है इंडियन आर्मी को। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये पार्क भी है, पर यहाँ पे घास पे जाना सख्त मना है। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे एक ब्रास प्लेट है जिसमें सभी शहीदों के नाम लिखे गए हैं जो कारगिल युद्ध के दौरान शहीद हुए थे। जैसा कि आप सामने पे देख सकते हैं, ये सभी वो शहीद हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी हमारी मातृभूमि के लिए। और यहाँ पे काफ़ी सारी सुविधाएं भी हैं, जैसे यहाँ पे पब्लिक वॉशरूम्स हैं, कैफेज हैं और एटीएम्स भी हैं। और यहाँ पे अगर आप चाहें तो फोटोग्राफी भी कर सकते हैं, पर इस बात का ध्यान रहे कि यहाँ पे काफ़ी सारी माओं ने अपने सपूतों को खोया है। तो चलिए दोस्तों, आज के ब्लॉग में बस यहीं तक। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। और नई नई वीडियोस इसी तरह हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।